जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज आईपीएल 2021 का 36वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जा रहा है उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वही दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स को एक बेहतरीन टीम मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और वही दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आईपीएल 2021 का 36वां मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में हो रहा है, जहां पर इस मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने मार्कस स्टोइनिस की जगह पर टीम में ललित यादव को मौका दिया, तो वहीं राजस्थान की टीम में इवन लुइस और क्रिस मॉरिस को बाहर किया गया है। जी हां दोस्तों, उनकी जगह पर तबरेज शम्सी और डेविड मिलर को शामिल किया गया। और इसी के साथ आज जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी तो यहां पर दिल्ली की तरफ से ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन शुरुआती कुछ ओवरों में देखने के लिए मिला नहीं। जी हां दोस्तों, जब ओपनिंग करने के लिए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन मैदान पर आए तो आज ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास पारी खेल नहीं पाए। दरअसल दोस्तों, यहां पर पहला विकेट शिखर धवन के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का गिरा, जहां पर शिखर धवन 8 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हुए और उनका विकेट कार्तिक त्यागी ने उन्हें बोल्ड आउट कर लिया। तो वहीं दोस्तों, शिखर धवन के आउट होने के साथ ही मैदान पर उतरे सुरेश अय्यर, जहां पर उम्मीद जताई जा रही थी कि पृथ्वी शॉ और सुरेश अय्यर मिलकर एक अच्छी साझेदारी करेंगे और दिल्ली के स्कोर को आगे तक लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पृथ्वी शॉ भी मैदान पर टिक नहीं पाए। जी हां दोस्तों, शिखर धवन के चौथे ओवर में आउट होने के बाद फिर पांचवे ओवर की पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ का भी विकेट गिर गया, जहां पर उनको चेतन सकारिया ने लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवाया। और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। और वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं कि पृथ्वी शॉ ने आज के मुकाबले के दौरान 12 गेंदों में मात्र 10 रन ही बनाए थे और इस दौरान ना तो उन्होंने कोई चौका लगाया और ना ही कोई उन्होंने छक्का। लेकिन दोस्तों यहां पर जब मैदान पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद उतरे सुरेश अय्यर और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, जहां पर इन दोनों की ही बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ा इस मुकाबले में बनी रही। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली के विकेट चटकते जा रहे थे तो दूसरी तरफ इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी करी, जहां पर खबर बोले जाने तक सुरेश अय्यर इतने रन बनाकर मैदान पर खेल रहे हैं तो वहीं ऋषभ पंत ने भी इतने रन अब तक बना चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही थी आज की लाइव अपडेट। बाकी अब आपकी क्या राय है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बल्लेबाजी के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।